हरियाणा के बजट सत्र का दूसरा दिन है आज और सुबह ठीक 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। तो प्रश्नकाल के साथ कार्यवाही शुरू होगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर आज चर्चा होगी, तो राज्य गीत को भी आज मंजूरी दी जा सकती है। बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं, सरकार को घेरने की तैयारी में है विपक्ष। देखिए आज सरकार को घेरने की तैयारी में विपक्ष, इधर सत्ता पक्ष की तरफ से भी पूरी तैयारी कर ली गई है। तो बजट सत्र का दूसरा दिन है आज। विशेष संवाददाता रवि कालीरमन जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रवि, बजट सत्र का दूसरा दिन है आज, ठीक 11 बजे कार्यवाही शुरू हो जाएगी। बिल्कुल साधना, देखिए बजट सत्र का आज दूसरा दिन है। प्रश्नकाल के साथ सुबह 11 बजे सदन की कार्यवाही जो है वो शुरू होगी। विधायक अलग अलग मुद्दों पर सरकार से सवाल जो है वो पूछते हुए नजर आएंगे। प्रश्नकाल के बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। चर्चा के बाद विधायी कार्य जो है वो किए जाएंगे। हरियाणा नगर पालिका विधेयक 2024 पुनर्स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए औद्योगिक विवाद निरसन विधेयक 2024 को भी पुनर्स्थापित जो है वो किया जाएगा। इसके साथ साथ सदन में आज राज्य गीत को लेकर मंजूरी जो है वो दी जा सकती है, मिल सकती है। इसके अलावा तमाम विधायक अपने क्षेत्र से जुड़ी समस्याओं को सवालों के रूप में पूछते हुए सरकार से नजर आएंगे। इसके साथ साथ प्रदेश स्तरीय जो भी चीजें हैं, जो भी मुद्दे हैं, उनको कहीं ना कहीं सवालों के जरिए तमाम सत्ता पक्ष के विधायक मंत्रियों से सवालात जो है वो पूछते हुए नजर आएंगे। और ऐसे में कहीं ना कहीं आज के सेशन की अगर बात की जाए तो सेशन काफी हंगामेदार रह सकता है। कल कांग्रेस की तरफ से नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो लाया गया था, हालांकि इस पर चर्चा कल होनी है। तो कल भी इसी प्रकार से सेशन जो है वो जारी रहेगा और इसी प्रकार से तल्खी जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच देखने को मिल सकती है। बिल्कुल रवि, रवि आज राज्य गीत को भी मंजूरी दी जा सकती है। बिल्कुल साधना, हाँ। देखिए पिछले सेशन की अगर बात की जाए तो तीन गीत जो है पिछले सेशन में सुनाए गए थे। उन तीन गीतों में से एक सर्वश्रेष्ठ जो गीत है उसको चुना जाना है। उसको लेकर कमेटी जो है पिछले सेशन में बनाई गई थी। वो कमेटी अपनी रिपोर्ट जो है वो आज कहीं ना कहीं विधानसभा के पटल पर रखेगी। तीन जो गीत सुनाए गए थे उनमें से एक गीत को आज कहीं ना कहीं राज्य गीत का दर्जा जो है वो दिया जा सकता है। बिल्कुल रवि, नजर बनाए रखने के लिए बहुत शुक्रिया, जानकारी आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। इन्हीं खबरों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए हरियाणा का बजट सत्र राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ शुरू हुआ। इसी सुरक्षा के बीच सत्र की शुरुआत की गई। राज्यपाल ने अभिभाषण के दौरान किसानों के लिए चलाई जा रही केंद्र और राज्य की योजनाओं पर फोकस रखा। इधर सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हुई। जीन प्रकरण जांच का भी समय बढ़ाया गया। अयोध्या में प्रभु श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से आज समूचा देश राममय हुआ है। राष्ट्र के कण कण में भक्ति, शक्ति, गर्व और गौरव का भाव व्याप्त है। इस पवित्र पराकाष्ठ के लिए मैं समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। भगवान श्री राम के मंदिर निर्माण के सपने को वास्तविकता बनाकर उन्होंने करोड़ों भारतीयों की आशाओं को पूरा किया है तथा उनकी आस्था को संबल प्रदान किया है। यह मंदिर हमारे राष्ट्र की सामाजिक, सांस्कृतिक और दार्शनिक विरासत का अप्रतिम प्रतीक है।